कितना ले रहा है? 103 एम्पियर, अच्छा खासा है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ इस बोर्ड में क्या हुआ है? कुछ ना कुछ गर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ इस बोर्ड में गर्म हो रहा है, इस वजह से इतना एम्पियर आया है। या कुछ ना कुछ इस बोर्ड में शॉर्टिंग आई है, समझ गए ना? या तो कोई ना कोई चीज हीट हो रहा है, जिस कारण से भी हीट हो रहा हो, या तो शॉर्टिंग आई है। पता कैसे चलेगा? बाद बाकी बोर्ड मेरा ऑन हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बोर्ड मेरा ऑन हो रहा है ना। तो या तो छू छू के देख लो, है ना, और अगर छूने से आपको नहीं पता चला, क्योंकि 86 आ रहा है, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ आपको हीट होता हुआ मिलेगा इसमें, समझ गया ना। तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अरे मैं अभी एम्पियर क्या ले रहा है ये? अभी तो रहे 86 बिना ही रहे पावर हैं। बटन प्रेस के इतना आ रहा है ना, जी मतलब कुछ ना कुछ क्या है, शॉर्टिंग है बोर्ड में, कुछ ना जी कुछ शॉर्टिंग है बोर्ड में, समझ गया ना। और सर शॉर्टिंग अब ये ये अच्छी है बात है कि मेरा बोर्ड ऑन हो रहा है, तो ठीक है। अगर मेरा बोर्ड ऑन नहीं होता तो मैं क्या करता? पहले इसको सही करता है ना, पहले इस चीज को सही करने जाता। तो अब ये कहां में जाता? बात आ गई कि मैं किस चीज को करता। अगर मान लो यहां पर 85 आ रहा है बिना पावर बटन प्रेस किए, तो मैं क्या देखता बोर्ड में? मैंने ये तो बोल दिया कि आपको इसको सही करना है, इस एम्पियर को स्टैंड बाय पे लेके आना है, लेकिन क्या चीज देखोगे? तो इस तरह का भी फॉल्ट आता है। तो इसमें ध्यान रखना आपका कि अगर आपका ये तो खैर बहुत ज्यादा है, 085 बहुत ज्यादा हो गया। अगर इस तरह की बात आती है कि जैसे आपने पावर बटन प्रेस नहीं किया, एडप्टर लगाया, ये आपको 40 जा रहा है, 50 जा रहा है, तो मैंने क्या बोला? अगर मेरा 3-5 वोल्ट बोर्ड में पहले बनता है, तो जो उसका कैपेसिटर होता है उसके लीक होने की वजह से इस तरह का केस आता है ना। और ये मेरा 84 पे जा रहा है, वाकई कुछ सीरियसली यहाँ पर हीट हो रहा है। अब हीट हो रहा है, या तो मैं छू के पता कर लूंगा, या फिर मेरे पास एक रामबान है, वो रामबान ऊपर से लेके आओ, लेके आओ। शॉर्टिंग ना हो तो रीडिंग क्या हो? 0 से 20 कोई शॉर्टिंग नहीं है बोर्ड में, 0 से 20 हाँ, तो 0 से 20 तक ऐसे आ जाता है। अभी 84 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है पंगा। तो उसको मैं दिखा रहा हूं थर्मल कैमरा से, आपको थर्मल कैमरा का भी एक आइडिया लग जाएगा, है ना। वो अच्छी बात है कि बोर्ड मेरा ऑन हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हीट हो रहा है। अब वो क्या हीट हो रहा है, वो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, उस चीज को मैं थर्मल कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ। दो कैमरा चाहिए, एक से ये दिखेगा, इस पे मेरे को एक ही कैमरा से हो जाएगा ना। देखो ये आपका, चलो बड़ा करता हूं, यहां पर ये क्या लगा रखा है मैंने, थर्मल कैमरा है ना, ये आपका थर्मल कैमरा है, ये आपका थर्मल कैमरा है, क्विनली का थर्मल कैमरा है। यूज करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसको यूज करने में। इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो ये इसके साथ केबल आता है, केबल आपने लगा लिया, कनेक्ट कर लिया, कर लो भाई कनेक्ट, कनेक्ट कर दिया। इस केबल को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर जो है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो भी होता है इसका, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। वो आपका कैसे इंस्टॉल होगा, यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है इंस्टॉल, देख लो क्विनली IR के नाम से, है ना। ये अगर तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैंने यहाँ पर स्टेटस बताया आपको इस बोर्ड का स्टेटस अगर आप देखोगे, तो देखो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है 116 112 पे जा रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ हीट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर शॉर्टिंग है, या कुछ भी है यहाँ पर हीट कर रहा है। अब हीट का पता कैसे लगाएंगे? या तो आप हाथ से छू के पता कर लो, है ना, अगर आपको सेंस हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थर्मल कैमरा कैसे उपयोगी है वो मैं चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो मैं थर्मल कैमरे को ऑन करूंगा, तो ऐसे करूंगा मैं, देखो इस तरह करके इसमें थर्मल कैमरे के पास बोर्ड को रखूंगा, एक तरफ ये रहेगा मेरा,
और दूसरी तरफ इसका सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट करूंगा। ये थर्मल कैमरा इस तरह ऑन होता है, ये अभी ऑन हो गया, ऑन हो गया, ये इसमें एलईडी है ऊपर में ग्लो कर गई, ऑन हो गया। अब इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया भाई, ये आ गया। यहाँ पर देखो कनेक्टेड लिखा आ गया, करेक्ट कनेक्टेड आ गया। अब क्या हीट हो रहा है पता कैसे चलेगा, तो इसमें क्या अलग अलग ये सेटिंग्स है, ये अलग अलग तरह की ये सेटिंग्स आती है। और थर्मल कैमरे का जो ये है ना, इससे आप ये कर सकते हो, जूम वगैरह ले सकते हो, देखो इस तरह करके। है ना, ज्यादा नहीं दिखेगा, इतना ही थोड़ा सा आपको नजर आएगा, आप अपने हिसाब से जूम करके देख लेना, ठीक है ना। और जैसा आपको लग रहा है, जो आपको सूट करता है उस मोड में रख लो, ठीक है ना। तो अभी क्या है, डीसी मेरा ऑफ है, अभी मेरा डीसी ऑफ है, मुझे दिख रहा है, ये पता हल्का सा पता चल रहा है, हल्का सा आइडिया लगेगा, और बड़ा कर ये देखो भाई, ये स्कैन करता है ना, जैसे नेगेटिव होता है उस तरह शो करेगा ना, आपको पूरा का पूरा इमेज ऐसे नहीं दिखा देगा, समझ गया ना, ये नेगेटिव की तरह स्कैन करता है, समझ गया ना। जैसे ये देखो, ये देखो एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि हाँ ये कुछ पीसीएच टाइप का है, तो इतना ही आपको आइडिया लगेगा इसके बाद, बाकी आप ऐसे ऐसे करके जितना ज्यादा आप अच्छे से खुद को कन्फर्म करना कन्फर्म कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, है ना। जब आप खरीदोगे तो आपको खुद ही उस चीज का ज्ञान हो जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है, जैसे कि मैंने इसको व्हाइट व्हाइट पे रख दिया है, ठीक है ना। अभी देखो टेम्परेचर, अभी मैंने बोर्ड को ऑन नहीं किया, मतलब सप्लाई नहीं दिया है, टेम्परेचर क्या ले रहा है, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर अभी ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री जो है रूम का टेम्परेचर है। मेरा बॉडी का कितना टेम्परेचर है, 33, करेक्ट, ये आपने पता कर लिया, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री, आपके बॉडी का टेम्परेचर 33 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डीसी को ऑन किया, और डीसी को ऑन कर दिया हूं। अब जरा मैं इसको देखता हूँ इस तरह करके, जहां अगर हीट हो रहा होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको टेम्परेचर दिखेगा बड़ा बढ़ा हुआ, अभी नहीं। इस साइड जाता हूं, मतलब इस तरह आपको चारों तरफ इसको ले लेके देखना है। ए, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 45 आ रहा है ना, अभी कहां आ रहा है भाई, 65 हो रहा है ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और ज्यादा अच्छे से लेके आता हूं उनको। देखो यहां पर 65 आ रहा है, जैसे बाकी तरफ तो आप देखो टेम्परेचर गए, तो अभी क्योंकि सप्लाई दिया तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको हीट हो रही है ना। ये मैंने ऐसे ऐसे करके पता किया, इस तरह आप कैसे भी रख लो, देखो अगर यहां रखोगे तो इस तरह ये रेड रेड टाइप का आएगा, इस रेंज पे रखोगे तो ऐसे करके आपको दिखाएगा, है ना। मतलब बाकी एरिया से थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज्यादा ही रेड रेड आने लगे, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ मेरा प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर है, इससे भी पता चल गया, और ये टेम्परेचर जो देख रहे हो उससे भी पता चल गया। क्योंकि अदर एरिया में जाओगे तो देखो, है ना, अदर एरिया में देखो आपको वही मतलब 32 पे आ रहा है, जहां भी जा रहा है, और जैसे मैं यहां पर आ रहा हूं इसके पास, तो ये देखो आपको ला भी रहा है, उसी के पास ला रहा है कि कहां से ये मतलब हीट जनरेट हो रहा है, ये आपको वहीं पर ले लाके रख देगा, यहां से हीट जनरेट हो रहा है, आप उसी जगह पे पहुंचोगे। मतलब आप इधर भी हो, देखो इधर भी हो, तो आपको आना किस तरफ है, जिस तरफ मेरा हीट आ रहा है,
ऐसे करके आप आते जाओगे ना, ऑटोमेटिक जहां पर आपको हीट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर थर्मल कैमरा आपको पहुंचा देगा, समझ गया ना। तो इसी तरह से यहां पर ये जो पोजीशन आप यहां ये क्या है, अब उसको मैं कंफर्म करता हूं। ये कोई फ्यूज है, यहां पर एक फ्यूज है, हाँ ये फ्यूज है, यहां पर ये फ्यूज है, ये जो मैं देख रहा हूं इस पे ये फ्यूज, मैं आपको इमेज पे दिखाता हूँ कौन सा फ्यूज है ना, देखो ये जो मेरे को यहाँ पर हीटिंग जहां पे दिखा रहा है वो इस फ्यूज पे दिखा रहा है। दिख रहा है ये यहाँ पे हीटिंग दिखा रहा है मेरे को, इस जगह पे मेरे को हीटिंग दिखा रहा है कि ये फ्यूज जो है शायद हीट हो रहा है ना। एग्जैक्टली इसी पॉइंट्स पे ये थर्मल कैमरा यहाँ पर ये यहाँ पर फ्यूज है ना, ये मैंने इस पे रखा और यहाँ पर मैंने ऐसे से करके कंफर्म किया पहले कि क्या चीज़ें पर मैंने जैसे इसके ऊपर रखा, पहले मैंने इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर मेरे को देखो ये है नहीं, फिर मैंने इस पे यहाँ पर फ्यूज पे गया तो एकदम देख रहे हो, देखो प्रॉप दिख रहा है बिल्कुल फ्यूज के ऊपर है, मतलब जो मेरा हीटिंग का एरिया है मेरे को मिल गया। अब इस साइड भी देखूंगा उस साइड भी देखूंगा, एक साइड तो देखा मैं, अब उस साइड जरा देखता हूँ। अभी देखो धीरे धीरे टेम्परेचर लो हो रहा है क्योंकि मैंने डीसी को ऑफ किया है ना। अब जाहिर सी बात है जब इतना टेम्परेचर है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या था, 33 था ना, तो जाहिर सी बात है जब ये 64 दिखा रहा है तो मेरे बॉडी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल है, तो मेरे को हीट तो महसूस होगा ही। तो सारा गणित तो यही है, सारा गणित यही है आपको कि आपको हीट कब लगेगा, तो जब आपका बॉडी का टेम्परेचर से मोटा मोटी मान के चलो कि 10 डिग्री 15 डिग्री तक ज्यादा मिले ना तो आपका बॉडी सेंस कर लेगा, समझ गए ना, बॉडी आपका हीट को सेंस कर लेता है। फिर वो डिपेंड करता है आपका कैसा हाथ है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, देखो 30, अभी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब मैं बैक साइड में जाता हूँ, ठीक इस फ्यूज के बैक साइड में एक्चुअली हीट क्या कर रहा है मेरे को, पीछे तो मेरे को एक फ्यूज पे डाउट हुआ है, यहाँ पर आता हूँ पता करता हूँ है ना। ये किसी भी रेंज पर रख लो, किसी भी प्रोफाइल पर रख लो है ना, आपको बस अपना पता चलना चाहिए। अब मैं डीसी को ऑन करता हूँ, ये मैंने ये देखो मैं डीसी को ऑन कर रहा हूँ, डीसी को ऑन किया, ये देखो इधर बढ़ रहा है, कोने पे बढ़ रहा है, हीट फैल रहा है भाई 105। देखो इतने एरिया में हीट है, अब जैसे जैसे हीट होता जाएगा पूरे पूरे ट्रैक को भी गर्म करता जाएगा, ये क्या चीज है। डायोड डायोड तो नहीं, फिर से फ्यूज पे आ रहा है, एक फ्यूज ही दिख रहा है मेरे को, इस साइड भी फ्यूज उस साइड भी फ्यूज, ये हीट हो रहा है, तो मतलब मेरा हीट हो रहा है ना, मेरा ये चीज हीट हो रहा है। तो अभी जो मैंने आपको केस समझाने की कोशिश करी कि मेरा जो डीसी पे एम्पियर आपका ये ले रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लीकेज है, कुछ ना कुछ शॉर्ट है, कुछ ना कुछ हीट हो रहा है, थर्मल कैमरा रहने से वो थोड़ा सा पकड़ में आसानी से आ जाता है। अच्छा यहाँ पर तो टेम्परेचर फिर भी बहुत ज्यादा है, ये तो हाथ से भी छूता तो पता चल जाता, हाथ से भी छूता तो मेरे को पता चल जाता, लेकिन यही हीट जो है कितना रहता, मान के चलो 45 रहता, 45 डिग्री रहता, तो शायद मेरे को नहीं पता चल पाता है ना, क्योंकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर आपको यही जाता है 35 तक जाता है, तो 10 डिग्री का फर्क है, तो शायद मेरे को इस चीज का पता नहीं चल पाता है ना, मैं छू छू के भी देखता पता नहीं चल पाता। फिर क्या आप जब छू रहे हो तो वहां पर उस फ्यूज पे आप टच करोगे, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना, आपने वहां टच ही नहीं किया, आपने बाकी कई जगह दूसरी जगह टच किया तो आपको हीटिंग का रिएक्ट पता नहीं चला। तो ये जो थर्मल कैमरा होता है तो कैमरे से आपको इस तरह पता चल जाता है, तो थर्मल कैमरा का यही यूज है ना, थर्मल कैमरा का इसीलिए लोग यूज करते हैं शॉटिंग वॉटिंग पता करने के लिए
ये बिना आइसोलेट किए, क्योंकि आइसोलेशन टेक्निक में जाओगे तो टाइम लगेगा, तो आप चाहते हो कि नहीं मैं जल्दी में पता कर लूं, है ना, तो वो एग्जैक्ट उसी जगह पे आपको पहुंचाएगा जहां पर की लीकेज है, लीकेज है या शॉर्टिंग है उसी जगह पे पहुंचाएगा, समझ गया ना। तो ये मेरा अब ये फ्यूज की ओर मेरा इशारा कर रहा है, अब ये फ्यूज हटा के देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और इसे छू के देखता हूं मैं फ्यूज को, रुक जा, हीट हो रहा है फ्यूज मेरा, हीट हो रहा है। अब फ्यूज क्यों हीट हो रहा है, अब किसी कंपोनेंट की वजह से हीट हो रहा है या अपनी वजह से हीट हो रहा है, तो वो तो जब मैं हटाऊंगा तब पता चलेगा, जब इसको हटाएंगे तब पता चलेगा। तो थर्मल कैमरा का यही एप्लीकेशन है, इसी तरह थर्मल कैमरा का यूज किया जाता है, आसानी से इसका यूज हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी क्या ना, मैं तो डायरेक्ट डीसी लगाया हूँ उस पर, यहाँ पर डायरेक्ट डीसी लगाया, डीसी लगाते मेरे को यहाँ पर ज्यादा एम्पियर मिला, पहले नहीं था, अभी मिलने लगा, तो मैं बोला एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या इसमें दिक्कत आ रहा है, समझ गया ना। अब क्या है कि अभी देखो इतना आ रहा है ना, मैंने बोला आपका स्टैंड बाय एम्पियर क्या है, 0 0 0 0, 8 आए तो सही मान लोगे, 8 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 10 आए, आप सही मानोगे। अब यही चीज अगर मान के चलो इस तरह अगर आ रहा है 0 0 dot 0 4 0, तो मतलब ये गलत है, है ना। अब इसकी वजह से अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है ना, 40 आने लगे, 50 आने लगे, है ना, अब इसकी वजह से आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप कहां जाओगे, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट के कैपेसिटर को रिप्लेस करके देखोगे, समझ गया ना। इस तरह का केसेस आपको मिलेगा, समझ गया ना। अभी तो मेरे को जो यहां पर मिला ये तो कुछ ज्यादा ही मिल रहा है ना, कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। और चूंकि मेरे को पता है कि मेरा जो ये बोर्ड है इसमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट कब बन रहा है, आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन, तो भैया कैपेसिटर पे तो मेरे को जाना ही नहीं है, कैपेसिटर पे तो जाना ही नहीं है, लेकिन जिस बोर्ड में 3 वोल्ट 5 वोल्ट बिफोर प्रेसिंग पावर बटन मतलब एडाप्टर लगाते ही बन जाता है, तो अगर उसका कैपेसिटर लीकेज रहता है तो आपका एम्पियर यहाँ पर ज्यादा दिखाने लगता है। अब इस केस में आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है और आप लगे रहो आयो चिप के पीछे, क्योंकि 3-5 तो ओके दिखाएगा आपको, लेकिन आप आयो चिप के पीछे लगे रहोगे, आयो चिप पे कितना भी काम कर लो बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड को ऑन करने के लिए आपको इसको इस वाली पोजीशन पे लेके आना है, तब जाके बोर्ड ऑन होगा, समझ गया ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो 3-5 का जो पाथ है, 3-5 ओके है ना, बोर्ड को ऑन करने के लिए 3-5 बनना जरूरी है, मतलब जो हमारा बोर्ड ऑन होने का सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस में अगर कहीं कोई लीकेज होगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। अभी क्या है, अभी मेरा क्या हीट हो रहा है, अभी मेरा यहां पर जो मैं फ्यूज हूं ये क्या हीट हो रहा है, जरा इस चीज को देखो, और मेरा इस केस में हो सकता है बोर्ड ऑन भी हो रहा है, तो ये देखो आप ये बोर्ड ऑन क्यों हो रहा है मेरा, अभी दोनों तरफ मेरे को फ्यूज पे ही गया है आइडिया, ये मेरा कौन सा हीट कर रहा था, ये फ्यूज हीट कर रहा था, ये फ्यूज किसका है, 19 वोल्ट पाथ का तो है क्या, F4902 डायग्राम मेरे पास है, F4902 मुझे लग रहा है LVDS वाला है ये, नहीं ये किसका है, कैमरा 3.3 वोल्ट के पास पे ये कैमरा, और ये जा कहाँ रहा है, LVDS कनेक्टर पे तो जाएगा ना कैमरे का, और यहाँ पर कोई और एक फ्यूज है क्या, देखो बैक साइड में भी एक फ्यूज मेरे को दिखा था, वो भी गर्म हो रहा था, वो ज्यादा गर्म लग रहा था, इसके बैक साइड वाला जो था ना वो ज्यादा गर्म मिला था, तो इसको मैंने वो देखते हैं ना, जो ज्यादा गर्म हो रहा उस पर पहले डाउट करूंगा ना, मेरा ये गर्म हो रहा था ज्यादा, इधर गया वो फ्यूज, ये यहाँ पर था मैं, ये ज्यादा हीट हो रहा था, ये F4901, अब ये क्या है पता करते हैं, F4901 क्या है ये, अच्छा ये हीटअप मार रहा है, डीसी बैट आउट हुई मेरा 19 वोल्ट के पास पे फ्यूज हीटअप मार रहा है, हो सकता है सारे कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम निकले, तो एक बार आप फ्यूज को हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, हटा के देखेंगे मेरा स्टैंड बाय एम्पियर सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये दिक्कत वाकई फ्यूज की वजह से है या फिर उसके आगे क्या होगा, कंपोनेंट्स होगा कंपोनेंट की वजह से, तो वो फिर हटा के हमें देख के पता चलेगा। एक काम करो हटा के लाओ, तो
ये ना यहीं पे ये दोनों फ्यूज हटा दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फ्यूज हटा दो और ये दोनों फ्यूज हटा के देखते हैं, ये फ्यूज और वो फ्यूज, दोनों फ्यूज हटा के देखते हैं कि मेरा ये एम्पियर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक काम कर, पीछे वाला हटा ले, पीछे वाला पहले हटा दो, हाँ ये वाला हटा दो पहले, F4901 देखो अभी अब हुआ कि नहीं हुआ सही देखते हैं। हो गया सही, आ गया स्टैंड बाई पे, मतलब दिक्कत कहाँ था, फ्यूज की तरफ कुछ भी हीटिंग जैसा नहीं लग रहा है, फिर भी आप थर्मल कैमरा लेके एक बार देखो, उसी एरिया में हूं मैं, ये फ्यूज था, ये देखो ये फ्यूज था, टेम्परेचर क्या है नॉर्मल है ना, देखो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, बैक साइड जाता हूं, ये फ्यूज हमने हटाया, अभी ये फ्यूज यहां से हटाया है और ऑन किया, देखो कहीं कोई हीटिंग नहीं। सर एक बार ज्यादा फ्यूज आपने हटाया उसको एक बार पीछे से शॉट कर देंगे, हाँ वो भी चलो वो भी कर लेते हैं, ये लो ये ट्विजर से मैंने शॉर्ट कर लिया है, अब तेरी गड़बड़ा रहा है तू, इसमें और भी कुछ है, अब इस फ्यूज के बाद जो है ना, अब वहां पर तो सप्लाई पहुंच नहीं रहे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, समझ गया ना, लेकिन फ्यूज के बाद है शॉर्टिंग, ये जो फ्यूज है इसके बाद है शॉर्टिंग, कैसे पता चला, ये सीधा 5 पे पहुंच गया था, ये 5 पे पहुंच गया मतलब शॉर्टिंग इसके बाद है, वो पता का हाँ अरे ये बढ़ गया, वही तो कह रहा हूँ शॉर्टिंग इसके बाद है ना, तो वो जब जब आप अब क्या है ना कि जब आप उस प्रॉब्लम में पड़ोगे ना कि इसके बाद, तो उस केस में उसको आप देखोगे, फिलहाल अगर आपको बोर्ड ऑन करना है डिस्प्ले लाना है तो इतने में आपका हो जाएगा है ना, बाद बाकी फिर क्या है कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाएगा, जब स्क्रीन पे डिस्प्ले लेने के लिए जाओगे डिस्प्ले नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी इसमें सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग एक्चुअली कहाँ है अब मैं बताता हूँ आपको, देखो अब ये सॉर्टिंग होगी क्या, कोई कैपेसिटर ही शॉर्ट है, कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, अब पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा वोल्टेज डाल के, या फिर कैपेसिटर है तो आप ऐसे ही करके देख लो, ये इमेज देखो, यहां पर हमने हटाया था ये फ्यूज को है ना, तो पक्की बात है यहां पर जो शॉर्टिंग है, 1, 2, 3 कैपेसिटर मेरे को लग रहा है, शायद 3 कैपेसिटर है, कौन सा ये F4901 के पास में 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और ये डीसी बैक आउट एलसीडी, 3 कैपेसिटर है दिख रहा है मेरे को, 3 कैपेसिटर कॉपी, और कहाँ है और कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बस ये 3 कैपेसिटर में से कोई ना कोई एक कैपेसिटर तो वाकई शॉर्ट है, समझ गए ना, अब चूंकि अभी अब हमें फ्यूज हटा दिया, फ्यूज हटाने के बाद क्या हुआ है, इसका कनेक्शन हट गया है, तो अभी शायद मैं अगर देखूं तो मेरे को बिप पे भी शायद पता चल जाए, अगर कोई शॉर्ट है वाकई तो बिप पे भी पता चल जाए, तो देख लेता हूँ, बिप पे भी देख लेता हूँ, 3 कैपेसिटर देख ही रहा है, यहाँ 465, यहाँ भी पा रहा है, यहाँ भी पा रहा है, फ्यूज के बाद शॉर्टिंग है, और कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, या किसी का कलर बदला होगा तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो मेरे को यहाँ पर वोल्टेज देना पड़ेगा,
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इस पे देखो, अब बाकी चीजें आप इस पे देखोगे, देखो इस पे देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कौन सा शॉर्ट है। देखो कौन सा लग रहा है शॉर्ट, बिल्कुल बड़ा वाला, बड़ा वाले का देखो, ये देखो लग रहा है तबीयत खराब है ना, तो ये शॉर्ट है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, शॉर्टिंग हट जाएगी यहाँ की, क्योंकि अब आपका थर्मल कैमरा काम नहीं आएगा ना। थर्मल कैमरा कब था, थर्मल कैमरे में क्या था, जब तक आप हीट नहीं दोगे तब तक तो कैमरा नहीं काम करेगा ना, क्योंकि कैमरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अगर तेजी से फ्लो हो रहा है ना, तो वही क्या करता है, तेजी से अगर फ्लो होता है तो हीट होने लगता है कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपका थर्मल कैमरा नहीं, अब यहाँ पर आपकी अपनी टेक्निक काम करेगी। लो बड़ा वाले को हटा दो, शॉर्टिंग हट जाएगी आपकी, अब फिर आप फ्यूज लगा दोगे आपका सही हो जाएगा। अरे फ्यूज लगाओ, फ्यूज 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 शॉर्टिंग क्या होता है, फ्यूज शॉर्ट होता है क्या, है ना, इसमें शॉर्ट क्या है, यहाँ पर फ्यूज हीट हो रहा था क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट था, फ्यूज हटा दिया तो अब आपको शॉर्टिंग शो कर रहा था ना। आप देख लेते हैं कैपेसिटर हटाने से शॉर्टिंग आपका गया कि नहीं गया। डिस्प्ले के लिए जाऊंगा तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगा बता, डिम इमेज का ये पढ़ा नहीं है अभी, डिम इमेज का केस आएगा अगर नहीं फ्यूज लगाएंगे। वो पढ़ चुका है, दोबारा कोर्स कर रहा है वो, यहाँ पर दे रहा था ना। ये हटा दिया ना मैं, और यहाँ पर आपको क्या आ रहा था, शॉर्टिंग आ रही थी। अभी मेरा यहाँ पर देखो बीप आना बंद, ग्राउंड भी दे रखा है वो भी देख रहा हूँ, बीप आना मेरा बंद हो गया। यहाँ पर देखो बीप आ रहा है, ग्राउंड है, और यहाँ पर बीप आना बंद, तो क्या हुआ, देख के पता लग गया ना। तो इस तरह देख के भी पता चल जाता है आपको, है ना, क्योंकि पहले यहाँ पर भी पा रहा था, जैसे मैंने फ्यूज को शॉर्ट किया था ना, आपने देखा होगा जब मैंने फ्यूज को शॉर्ट किया तो एम्पियर 5 पे मारा था। अभी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसको शॉर्ट करके आपको दिखाऊं। देखो पहले इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, इसको पहले डीसी लगा देता हूँ, गिरता बहुत है ये। डीसी लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये देखो ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, और अब एम्पियर देखो जरा क्या रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 003 आ रहा है, हो गया, वो कैपेसिटर शॉर्ट था, समझ गया ना। तो आज के लिए